Now today's topic, write down electronegativity. What is definition of electronegativity? What is definition of electronegativity? Electro negativity. डिफिनेशन बोलो क्या होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का. व्हाट इज डिफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? एनीवन टेल मी. तो हमने शिखर मेजर ऑफ एटम एबिलिटी टू अट्रैक्ट शेयर इलेक्ट्रॉन मेजोरिटी टू यूज मेजर द कैपेबिलिटी ऑफ एटम टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन टेंडेंसी टू टेक इलेक्ट्रॉन. ओके ठीक है राइट डाउन करो. राइट डाउन करना डेफिनेशन. द टेंडेंसी ऑफ एन एटम the tendency of an atom to attract the shared electron pair towards itself in a molecules is called electronegativity जिसको हम शॉर्ट में EN भी बोलते हैं is called electronegativity. The tendency of an atom. Now next point. This is property of an atom. This is property of an atom. This is property of an atom in a molecules. This is property of an atom in a molecules. पेज नंबर. तो यहां पर हमने एक बार फिर से बता दे रहा हूं टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर. एग्जाम्पल लेते हैं सीएल में ये दोनों इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में है तो टू इलेक्ट्रॉन्स आर शेयर टू इच अदर कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन है ये तो होगा क्या क्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है इसलिए ये इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा अपने तरफ खींचने की कोशिश करेगा और ये इलेक्ट्रॉन जो हाइड्रोजन का है थोड़ा सा शिफ्ट होके क्लोरीन की तरफ जाएगा क्योंकि इसके पास खींचने का टेंडेंसी ज्यादा है. ठीक है तो इस ये शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को अपने तरफ अट्रैक्ट करने की पावर है इसके पास इसी पावर को हम क्या नाम देते हैं टेंडेंसी ऑफ एटम टू अट्रैक्ट शेयर इलेक्ट्रॉन इज नोन एज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. और दिस इज प्रॉपर्टीज ऑफ एन एटम ये एटम का प्रॉपर्टीज होता है एक मॉलिक्यूल्स के अंदर HCl में Cl एटम का ये प्रॉपर्टीज है जो अपने तरफ क्या कर रहा है अट्रैक्ट कर रहा है. अब मुझे बताओ कि आयोनाइजेशन एनर्जी का यूनिट क्या होता है और इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी का यूनिट क्या होता है. It is like magnet. Magnet की तरह होता है बट ये
इलेक्ट्रॉन्स को अपने तरफ, जो पॉजिटिव वाला पार्ट है इसका, वो अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा। हाँ, उसे मैग्नेट की तरह बोल सकते हो, थोड़ा सा अट्रैक्ट करने की कोशिश करता है। तो मुझे ये बताओ कि आयोनाइजेशन एनर्जी का और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का यूनिट क्या होता है? यूनिट यूनिट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किलो जूल में मेजर किया जाता है, किलो कैलोरी में मेजर किया जाता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मेजर किया जाता है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को क्या, किस, कैसे मेजर किया जाता है? लिखना, देयर इज नो यूनिट ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, देयर इज नो यूनिट ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, देयर इज नो यूनिट ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, देयर इज नो यूनिट ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। नीचे लिखना रीजन, इट इज कंपेरेबल वैल्यू, बिकॉज इट इज कंपेरेबल वैल्यू। इट इज कंपेरेबल वैल्यू, ठीक है। आगे लिखना, इट इज कंपेरेबल वैल्यू और रिलेटिव वैल्यू, इट इज कंपेरेबल वैल्यू और रिलेटिव वैल्यू। आगे लिखना, द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, the value of electronegativity will be measured by Pauling scale or Mulliken's scale. The value of electronegativity value will be measured by Pauling scale and Mulliken's scale. Scientist ka naam hai Pauling. Pauling take hydrogen as a reference atom. यानी इसका मतलब ये हुआ कि जब पॉली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वैल्यू निकाल रहा था, तब उसने हाइड्रोजन को एक रेफरेंस वैल्यू मान लिया था। यानी हाइड्रोजन का पहले समय मालूम रहता, उसको मालूम था कि इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वैल्यू 2.1 होता है, ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वैल्यू 2.1 होता है। तो पॉलिंग ने जो रेफरेंस एटम माना था वो हाइड्रोजन को माना था, और उसको मालूम था कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन का 2.1 होता है। इन ए पीरियोडिक टेबल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू, most electronegative value will be phoncl, FONCL, phoncl, yani first four ye hai phoncl hai, yani pure periodic table mein sabse zyada jo electronegativity value hota hai first four ka, wo hota hai phoncl ka, FONCL, फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन एंड क्लोरीन। और सबसे लिस्ट जो होता है, लिस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव जो होता है, वो होता है सीजियम का,
सीजियम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वैल्यू सबसे कम होता है। माथी पहले जैसे रिफरेंस बुक होता वैसे एक रिफरेंस एटम लेके चला था, ठीक है, और पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा जो वैल्यू होता है वो फोन कॉल का होता है। फ्लोरीन का अप्रोक्स 4 के इक्वल होता है, इसे 3.9 4 के अप्रोक्स हम लेते हैं, ठीक है। तो सबसे ज्यादा जो वैल्यू होता है फोन कॉल का होता है। तो कुछ पहले हम वैल्यू लिख भी लेते हैं, हम ज्यादा वैल्यू हमें याद करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। तो पहला जो वैल्यू हम लिखेंगे वो लिखेंगे हिंदुस्तान पेट्रोलियम का, एचपी का। हिंदुस्तान पेट्रोलियम का 2.1 होता है और ये 2.1 होता है। हिंदुस्तान पेट्रोलियम दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वैल्यू इक्वल होता है हाइड्रोजन और फास्फोरस का, ठीक है। कार्बन का जो वैल्यू होता है वो 2.5 होता है, कार्बन का जो वैल्यू होता है वो 2.5 होता है। The value of carbon is 2.5. तो मैं थोड़ा सा अप्रोक्स वैल्यू लिखवाऊंगा आपको। नाइट्रोजन का और क्लोरीन का अप्रोक्स वैल्यू 3.0 लेते हैं, हम अप्रोक्स लिखवा रहे हैं, ठीक है। सीजियम का और फ्रेंसियम का लगभग ये होता है 0.7 होता है, ठीक है। सल्फर का और आयोडीन का ये 2.5 होता है, कार्बन के बराबर होता है, ठीक है। फ्लोरीन का लगभग ये 4 के आसपास होता है, मतलब 3.9 होता है। फिर है ऑक्सीजन का जो होता है वो 3.5 के आसपास होता है। नाइट्रोजन का लगभग 3 के आसपास होगा, क्लोरीन का 3 के आसपास, मतलब 3.12 होगा, लेकिन ज्यादा इसका थोड़ा होता है, नाइट्रोजन का ज्यादा होता है, ठीक है। तो यहां पर जो वैल्यू होगा वो सबसे लोएस्ट वैल्यू, सबसे जो लोएस्ट वैल्यू होता है वो होता है सीजियम का, फ्रेंसियम का। सबसे हाईएस्ट वैल्यू फ्लोरीन का होता है। फोन कॉल, तो जब पॉली ने मेजर किया तो सबसे ज्यादा वैल्यू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का फ्लोरीन का गिरा, ठीक है। अब यहां पर हम ट्रेंड्स देखते हैं कि लेफ्ट टू राइट क्या होता है और टॉप टू बॉटम क्या होता है। अब हम यहां पर ट्रेंड्स देखते हैं कि ट्रेंड्स में क्या होता है। तो हेडिंग डालो ट्रेंड्स इन ए पीरियड, ट्रेंड्स इन ए पीरियड। अब यहां हम लिखेंगे फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी विल इंक्रीज, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी विल इंक्रीज। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगा? इंक्रीज होगा। हम लिखेंगे रीजन, रीजन क्या है? तो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट साइज विल डिक्रीज, साइज विल डिक्रीज। साइज क्या होता है? कम होता है। दैट्स वाई फोर्स ऑफ एट्रैक्शन या जेड इफेक्टिव विल इंक्रीज, जेड इफेक्टिव विल इंक्रीज। हेंस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी विल ऑल्सो इंक्रीज, हेंस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी विल ऑल्सो इंक्रीज। लिथियम
बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। अगर हम बात करते हैं ट्रेंड्स इन पीरियड एंड ग्रुप, अगर हम बात करें टॉप टू बॉटम, टॉप टू बॉटम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी विल डिक्रीज, ठीक है। रीजन क्या बोलेंगे, रीजन हम बोलेंगे साइज विल इंक्रीज हेंस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विल डिक्रीज हेंस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू विल डिक्रीज। पहले इसको लिख लो, रीड आउट लेते हैं। पांच मिनट देते हैं डाउट क्लियर।